पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा हाईएस्ट जो रेनफॉल है मयूरभंज के चंदनपुर में 80.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अगर बात करें सिस्टम की तो सिस्टम में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि वेस्ट सेंट्रल व्यू बंगाल ऑफ आंध्र प्रदेश कोस्ट पर बनी हुई है। समुद्र सतह से 1.5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर की हाइट के बीच में बनी हुई है और यह सर्कुलेशन हाइट के साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ टल्टिंग भी इसकी दिख रही है। तो इस सिस्टम प्रभाव की वजह से आज डे वन में जो हमारे जहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है उसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज क्योंझर अनुगुल ढेंकनाल देवगढ़ सुंदरगढ़ नुआपाड़ा कालाहांडी नवरंगपुर रायगढ़ कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। सर और 6 और 7 तारीख को डे टू डे थ्री में साउथ उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज क्योंझर ढेंकनाल इन डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहने की संभावना है। 8 और 9 तारीख को होल उड़ीसा में आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अगर डे वन में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है मयूरभंज क्योंझर बालासोर भद्रक केंद्रपाड़ा जाजपुर गजपति रायगढ़ कालाहांडी नवरंगपुर कोरापुट और मलकानगिरी।